The thing is, हम लोग इस चीज को साइड पे रख देते हैं कि if I wanted to be an actor or not. I always wanted to be an independent person. Like that is what I yearned for passionately since I was in my early teens. तो एंड द थिंग इज यहाँ पे ना हमारे कल्चर में एक नेगेटिव कॉनोटेशन दी जाती है इस बात को कि अगर किसी औरत ने अपनी ड्रीम्स को चेज करना है या कुछ बनना चाहती हैं तो उनको उसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत जो है ज़्यादातर वो यही होती है कि घर वालों से अलग होना पड़ जाएगा, लड़ाई करनी पड़ेगी. सो अ लॉट ऑफ देम गिव अप इन द प्रोसेस. बट मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त का जो मुश्किल वक्त था वो अब के मुश्किल वक्त से ज़्यादा आसान है. अच्छा. रीज़न बीइंग कि वो तो कुछ सालों का जो है गैप था एंड यू नो माय मदर हैज इज़ नाउ सो सपोर्टिव. माय सिस्टर्स एवरीबडी देयर ऑल इट वाज अ कल्चर शॉक फॉर देम एंड देन दे गॉट यूज्ड टू इट. तो हुआ ये था कि बीच में योर फैमिली स्टॉप टॉकिंग टू यू for some time ab wo halaat set ho gaye family and they didn't stop talking to me. They would show up in Karachi, they would you know make sure I'm okay. They didn't completely stop talking to me. Okay. But there was ek halki si hote na, there was an elephant was an elephant in the room. Haan. Because my mother was like, you know, because they wanted us to just study and excel in corporate jobs. That's what all of my siblings do and I was the artsy nutcase to be honest with you. So मैं तो नहीं कहूंगा right. ये तो अच्छी बात है कि अगर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट ड्रीम कर रहा है तो यही हम कॉन्वर्सेशन बेसिकली कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चों के टैलेंट को नर्चर करना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड नाउ एट दिस पॉइंट आई हैव सच अ गुड रिलेशनशिप विद माय मदर डिस्पाइट द जनरेशन गैप्स एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक कि जब आपको एक स्पेस मिल जाती है ना टू थिंक ऑनवर्ड्स टू मेंटेन इट एंड टू थिंक अपवर्ड्स बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट देन व्हेन यू स्टार्टेड. तो इसकी क्या एक वजह ये भी है कि हाजरा अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारे अदाकार भी ये बात करते हैं कि देर इज़ अ क्लियर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आर इंडस्ट्री. क्योंकि यहाँ पे जो काम जिनको मिलता है अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं यार कि वो आपकी एफिलिएशन कनेक्शंस की बुनियाद पे मिलता है, नंबर एक. नंबर दो, एक सर्टन, जैसे हम अपेरेंट्स की भी बात कर रहे थे, एक सर्टन अपेरेंट्स के लोगों को ज्यादा प्रिफर किया जाता है ओवर अदर पीपल. फिर होता है जी कि जो जिस किसी का काम करने का अंदाज कैसा है उस पर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई कि यार कि वो चले अंदाज ही कह लेते हैं कि जिसका काम करने का अंदाज कैसा है उस पे ऊपर भी प्रेफरेंस होती है. तो क्या इस तरह के चैलेंजेस भी आप फेस कर रही हैं, करती आई हैं या वो खत्म हो गए? अच्छा, आपके पहले पॉइंट से शुरू करते हैं. व्हाट वाज योर फर्स्ट पॉइंट? के जान पहचान से. सी, इट्स अबाउट द एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी. वो कुछ लोगों को आसान हो जाता है और कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करना या उस इंसान से या कोई प्रोडक्शन हाउस अगर है तो उसमें कास्टिंग एजेंट से मिलने का जो सिलसिला है उसमें बीच में आपका गेट का चौकीदार से लेके आपके एडीज, आपका रिसेप्शनिस्ट, जो फिर आपको कहीं जाके और आप चार पांच चक्कर लगाएंगे प्रोडक्शन हाउस के, फिर आप कहीं जाके कास्टिंग एजेंट से मिलेंगे बिकॉज यू ऑल्सो कैन नॉट गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम देम यू नो प्रायर टू शोइंग अप एट द ऑफिस. वेयर एज जो किसी का कॉन्टैक्ट होता है तो उनको एक कॉल की देर होती है और वो पहुंच जाते हैं. तो दिस इज़ द एक्सेस टू द राइट पीपल. और जहाँ तक लुक्स की बात है उसमें मैं शुरू में शायद मैं ऐसे सोचती थी लेकिन अब मैं ऐसे नहीं सोचती बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ हाउ यू नो वुमेन एंड मेन लुक इन आवर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो थिंग्स आर चेंजिंग. तो ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला है जो कि चले जा रहे हैं. नहीं, आई सी अ लॉट ऑफ वैरायटी इन फेसेस एंड यू नो. तो आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स अबाउट हु क्लिक्स एंड हाउ दे क्लिक एंड देयर वर्क एंड एक्सेप्टेंस एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट आर्ट एनी मोर, इट्स अ बिजनेस. सो एवरीबडी लुक्स एट रेटिंग्स. तो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई तो इवन अगर पोटेंशियल इतना है भी नहीं तो उसको चढ़ा दिया जाएगा बिकॉज फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ विन. बिल्कुल सही बात है. तो वो वाला तीसरी जो मैंने आपसे बात की थी उसको इस तनाजुर से भी देखा जा सकता है. जैसे ऑफकोर्स आपका आई एम श्योर अपने करियर को लेके या जिस तरह के किरदार आप करना चाहती हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट आप करना चाहती हैं उसको लेके एक विजन होगा. बिल्कुल. और हमारे यहाँ जिस तरह का कॉन्टेंट क्रिएट हो रहा है, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, क्या वो आपके विजन के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं? और उस वजह से कुछ इख्तलाफ हो जाता होगा, कभी कोई स्टोरीज को किरदार आपके पास आते होंगे, आप कहती होंगी ये तो मैं नहीं करना चाहती. एंड पता है इस सब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, दैट इज टू से नो. अब हसन, मुझे आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है.
मैं टेम्प्ररी कुछ साल गुजारने के लिए नहीं आई हूँ. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर और मैं मरते दम तक एक्टिंग करूंगी. मेरा वो वाला पैशनेट वाला सीन है यार. ये वाला कॉन्फिडेंस और ये वाली पैशन चाहिए यार आप जॉब. एंड द थिंग इज लाइक यू सेड कि थिंग्स आर चेंजिंग. तो लोग तो जो द टर्म हीरोइन हैज इवॉल्व्ड. बिल्कुल ठीक है. इट्स नो मतलब और बहुत थोड़ा थोड़ा होना शुरू है बट आई कैन सी इट. सो इट गिव्स मी सम होप कि हीरोइंस आर नॉट लुक्ड एज यू नो एज एन ऑब्जेक्ट एनी मोर. देर इज मोर टू इट. देर इज मोर डेप्थ इन इट. फॉर एग्जाम्पल रास्ती इन जॉयलैंड शी कैरीड द एंटायर फिल्म. दैट्स वन एग्जाम्पल ऑफ इट. कमली देर इज मौला जट. हुमायमा मलिक इन मौला जट. शी स्टोल द शो. शी वॉज अमेजिंग. तो आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट है हीरोइन का वो अब जरा इवॉल्व होके ना वो हीरोइन स्लैश एक्टर भी चाहिए है. सो आई सी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स यू नो फाइटिंग फॉर दैट. एंड ऑल्सो आई हैव हैड डायरेक्टर्स फाइट फॉर मी. सो आई नो हाउ फार अ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन कैन गो. तो जब कोई मुझे कहता है ना आके कि ओ हाजरा प्रोडक्शन हाउस से बात नहीं बनी इसीलिए वी कुडंट कास्ट यू. तो मैं कहती हूँ यार यू नो व्हाट. Give this to someone else. I don't believe you. Because directors like Anjum Shahzad, directors like Suhail Javed, directors like Shahir Shafat have fought for me and made me hold my space in where I want to work. और वो तभी होता है जब एक एक्टर को एक आर्टिस्ट को अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है. और अवाम की जहाँ पे बात होती है तो हाजरा हमारा अगला जो सेगमेंट है इसका नाम है अवाम की आवाज.